स्टार्ट करो या एंड ऑपरेटर समझने के लिए किसी को प्रॉब्लम? नो, हिमांशु सेज नो। एनीवन है कोई कि सर यस मुझे प्रॉब्लम है तो यस वाला कोई है? आई डोंट थिंक सो कोई है यहाँ पे, बट या अगर है तो डरो मत यार। नो, ओके ठीक है, बहुत लोगों के नो आ गया, यस वाला कोई दिखा नहीं मेरे, मतलब हाँ समझा मैंने डिलीवर किया और आप समझ गए। ओके गुड, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज नथिंग बट और ऑपरेशन। तो चलो ज्ञानी लोग बताओ व्हाट इज और ऑपरेशन, तब तक जिनको नहीं पता वो लोग देखो सेम चीज से बता रहा हूँ, सेम ड्रॉ करके ही बता रहा हूँ। तो देखो और ऑपरेशन का मीनिंग सेम है कि यहाँ पे सेम चीज, यू कैन सी दिस इज अ बिल्डिंग, एस्ट्रिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है ये, दिस इज नॉट स्टार, बट इस बार एक रास्ते नहीं है आपको पहुँचने के लिए, दो रास्ते, दो रास्ते है ना, रास्ता तू मंजिल या सो दिस इज नथिंग बट ए यू, आप ये हो और आपको जाना है। तो यहाँ पे दो रास्ते और पर दोनों रास्तों पे क्या है, ब्रिज है, एंड दिस इज वाई सो सिंपल। चलो दिस इज नथिंग बट ए दिस, अब देखो ये दोनों ओपन है, मतलब ए फिर से बना देता हूँ, ट्रुथ टेबल ए बी एंड वाई, वाई मतलब आउटपुट, जीरो जीरो दोनों ओपन है, नहीं पहुँच सकते, दोनों में से एक को क्लोज कर दिया, जीरो वन किसी को भी क्लोज करो, जीरो वन तो क्या हो जाएगा वन, या वन जीरो मतलब किसी ये ओपन कर दिया ये क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया ये ओपन, तो भी तो आप पहुंच ही जाओगे ना, या लास्ट वन इज नथिंग बट क्या है कि अगर आप दोनों क्लोज कर दोगे अरे कहीं से भी चले जाओ मतलब आप पहुंच सकते हो। तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, सिंपली वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, इक्वेशन इज क्या है, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके तो दिस इज नथिंग बट लॉजिकल और ऑपरेशन, लॉजिकल और के लिए हम जो सिम्बॉल यूज करते हैं दैट इज नथिंग बट वर्टिकल बार, आपको वर्टिकल बार यूज करोगे, ये जो वर्टिकल बार है वो बैक स्पेस जो होता है ना उसके नीचे आपको नजर आएगा, या फिर इंटर जो बटन होती है उसके ऊपर नजर आएगा, तो आप इस चीज़ को यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ समझ गई, सेम चीज़ ये भी बिटवाइज है, तो चलो हम देखते हैं किस तरीके से होगा, सेम नंबर्स वगैरह लेके मैं समझाता हूँ। ओके सो ए सपोज इंट ए इक्वल्स टू 10 ले लिया, सेम केस ले रहा हूँ, एंड इंट बी इक्वल्स टू 5 ले लिया, चलो बताओ क्या होगा बाइनरी, 10 का बाइनरी अभी तो बताया था दो बार 10 लिख दो, दैट इज नथिंग बट 10 का बाइनरी, सर कैसे 1 2 4 8 सॉरी फॉर मी, ओके 8 प्लस 2 दैट इज नथिंग बट 10, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज नथिंग बट 10 इन बाइनरी। सर 5 लिखना है 1 0 1 और यहाँ पे कर दिया 0, तो दिस इज नथिंग बट 5। ओके इसका अगर हमें क्या करना है और ऑपरेशन, और के लिए कौन सा आता है, दिस नथिंग बट अ बार। अब मैं इसको डार्क इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वन भी वैसा ही दिखेगा और ये भी ऐसा दिखेगा, तो इसलिए मैं इसको डार्क कर दिया। ओके तो दिस इज नथिंग बट और का सिंबल, हाँ 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। अब इसको ये किसका नंबर है, कौन से इसका है, कौन सा है ये कैसे करो, काउंट करो 1 2 4 8 8 के बाद क्या आने वाला था 16, याद रखना अगर जो भी नंबर उसके बाद आने वाला है तो सिंपली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 15 बनाता होगा तभी जाके तो ये नंबर क्या है 16 है, याद रखना। सर सच में, यस सच में, अगर देखो सपोज 31 आपको बनाना है बाइनरी में तो आँख मूंद के पहले तो आप कर लो 1 2 4 8 16 और इसके बाद क्या है 32, तो आँख मूंद के सबको 1 मार दो। सर ऐसे क्यों, बिकॉज इसके बाद का पोजिशन क्या थी 32, तो सोचने की जरूरत क्या है, ये सभी क्या है 31 है, सोचने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज आप काउंट करके खुद देख लो तभी तो वो नंबर सिस्टम कहलाएगा। एक बार थोड़ा रिपीट लोकेश, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो कैसे होते हैं ये जितने भी नंबर है ना, ये जो नंबर सिस्टम है ना कुछ इस तरीके से ही बनाई है कि कोई भी नंबर स्किप ना हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई भी नंबर मतलब जितना भी डेसिमल में नंबर है वो स्किप ना हो, वैसे ही करके ये नंबर सिस्टम बनाई है। आप देखोगे ना तो पूरे वन से लेके मतलब इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वो आप बाइनरी से क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 इसके भरोसे 4 8 एंड 16 एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा। ठीक है सिंपल फंडा है, अगर आपको लिखना है 7 तो 7 क्या है 8 से छोटा है, 1 से ही छोटा है, तो आप आँख मूंद के 3 मार दो, क्यों सर, बिकॉज 8 यहाँ पे मतलब ये प्रीवियस जो 3 डिजिट्स है ये मिलके कितना बनाते होंगे, करेक्ट है, बिकॉज इसको समझना इजी में अगर वो 20 है तो 20 के प्रीवियस चाहिए तो 21 होगा ना, सेम चीज़ है यार, उसमें और इसमें क्या ही डिफरेंस है। 8 अगर यहाँ पे है तो ऑफकोर्स बात है ये पूरे 7 बनाते होंगे, और अगर ये है ना ये 16 है और 16 के इधर के सब 1 है तो मतलब ये क्या है 15 है, सेम चीज़, यू कैन सी ये 16 था और इसके इधर के पूरे 1 थे तो मैंने डायरेक्टली समझ लिया 15 है। अगर सर ये
तीनों वन है, ये जीरो है, सिंपल बात है, एक माइनस कर दो तो ये 14 है, उल्टा भी काउंट करना आना चाहिए, यू कैन सी दिस इज नथिंग बट अ 14। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, प्रो लेवल समझ रहे होगे आप, पर प्रो लेवल नहीं है ये, प्रैक्टिस से हुआ है, ये बार 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 करने से हुआ है। आप थोड़े दिनों तक करोगे ये हो जाए, थोड़े दिनों तक भी नहीं, एक घंटा भी कर लोगे तो भी हो जाएगा, 1 आवर में आप प्रो हो जाओगे। ओके सो कोई बात नहीं, अभी तो मैन्युअली करो, अगर वो नहीं जम रहा है इसके पीछे मत पड़ो, भीड़ो मत, आपके कोई काम में नहीं आने वाला, बस वो चीज़ कैसा पता होनी चाहिए, मैन्युअली करो कैसे भी करो, आंसर आना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपको इस तरीके के आपको इंटरव्यू में दिखेंगे कि ऐसा दिया रहेगा और बोलेगा इंट ए इक्वल्स टू 10 है, बी इक्वल्स टू 5 है, तो बताओ सी का क्या रहेगा, अगर ए और बी कर रहा हूँ तो बताओ किसका कितना रहेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, ए इक्वल्स टू सपोज 10, बी इक्वल्स टू रहेगा 15, सी इक्वल्स टू रहेगा 14 एंड डी इक्वल्स टू रहेगा नन ऑफ अबव, तो आपको बताना है कि कौन सा, तो सभी एक जैसे दिखते तो हो रहेगा क्या, अगर आपको आता है कैलकुलेशन तो आप आंसर मार दोगे कि यार 15 है बिकॉज आपने चेक कर चुके हो। ओके सो दैट्स व्हाई। ओके तो ये था हमारा ऑरिंग, अब देखो यहाँ पे सिंपली मैं और चेंज कर रहा हूँ, एंड जैसे वो समझ गया था, अब इसका बताओ मुझे, 8 and 5 अगर मैंने आपको दे दिया तो उसका और ऑपरेशन क्या आएगा, लगाओ खुद से, सेम चीज़ एंडिंग में जो था वही, बस वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, यहाँ पे एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन समझा तो एडिशन वाला भी समझ जाएगा, चलो बताओ क्या आएगा आंसर, 8 and 5। ओके कंट्रोल ए, कोई इशू नहीं है, थोड़ा बता दो बोल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। देखो हमने क्या लिया, ए इक्वल्स टू 8 लिखा है एंड बी इक्वल्स टू सपोज 5 है, शायद से मैं देख लिया था एक बार क्या था, क्या 5, तो क्या किया हमने, 8 का पहले बाइनरी निकाल दिया, तो 8 का बाइनरी कैसे आएगा, तो 1 2 ऐसा तो करो ना आराम से, है ना, 8 उन लोगों के साथ मत भागो, आप इधर ध्यान दो, 1 0 0 0, ये कैसे किया, 8 था ना तो इसके नीचे सीधा 1 लिख दिया, बाकी को 0 कर दिया, तो ये 8 हो गया, b तो 5 तो डायरेक्ट नहीं है, मतलब 4 + 1, बाकी को 0 कर दो, तो ये हो गया 5 का, करेक्ट, यहाँ पे क्या करना है मुझे, और ऑपरेशन करना है, 0 + 0 1 0 1 and 1, तो 8 में से कितना, देखो ये पूरा जो है, पूरा जो है वो 15 है, इजी पड़ेगा याद रखना, ये पूरा जो है वो क्या है 15, सर कैसे पता चलो, बिकॉज 8 के बाद 16 था ना, तो ये 15 बना रहे होंगे, 15 में से 2 माइनस कर दो, 2 माइनस क्यों सर, देखो ये यहाँ पे 0 है, तो 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 13, सो आंसर इज 13, गुड। बोलने के लिए टफ लगता है और जब आप करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ें कैसे आ रही है। ये एडिशन नहीं है, ओके, नहीं तो सोचोगे कि यार ये देखो 13 आ रहा है तो आप बोलोगे सर 8 + 5 8 9 10 11 12 13, सर ये तो एडिशन हो गया, आपने तो बोला था एडिशन, नहीं रे हमेशा ऐसा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी चेंज करके 2 करता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, 5 + 2 7 आना चाहिए, अगर आप एडिशन है तो वैसा थोड़ी आएगा, ऐसा लॉजिक मत लेके चलो कि अरे एडिशन मतलब एडिशन हो जाएगा, अरे सच में हो गया 5 + 2 7 हो गया, सपोज 2 एंड यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, हो गया, क्या करे पोपट कर दिया उसने, बस हमेशा नहीं होगा, अगर आप एडिशन समझ के चल रहे हो तो फिर तो गलत हो, कैसी अब तो 2 and 3 5 हो जाना चाहिए था, बट वो तो हुआ नहीं, 3 आ गया, लास्ट टाइम हो गया था मेरा पोपट, बिकॉज मैंने उसका लॉजिकली सोचा नहीं, दैट इज 7 आ रहा था, यू कैन सी दिस टाइम 5 आना चाहिए था, बट 3 क्यों आया, बिकॉज लॉजिकल, वो लॉजिकल है, हाँ प्लस मत समझ के चलना नहीं तो घुस जाओगे। ओके गुड, सो दिस इज नथिंग बट और ऑपरेशन, और के बाद भी है कुछ ऑपरेशन, तो ये हम आज ले ही लेते हैं, दैट इज कॉल्ड XOR एंड, ये तो नहीं बताने वाला हूँ, दैट इज शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, चलो देख लेते हैं, तो XOR का मीनिंग होता है, चलो पहले उसको हम समझ लेते हैं, यप, अब XOR के ट्रुथ टेबल को देखो, ट्रुथ टेबल ही दिखाना पड़ेगा मुझे एक्चुअली, बिकॉज उसका ना ऐसा इलस्ट्रेटेड फॉर्म में एग्जाम्पल नहीं है, जैसे मैंने 2 बताया एंड और का वैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, बहुत इजी है, समझ जाएगा, बिकॉज अभी आपने ट्रुथ टेबल पढ़ना सीख लिया तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, सिंपल है, 0 0 रहेगा ना, मतलब सेम रहेगा तो 0 रहेगा, सेम मतलब सर 0 0 मतलब दोनों इनपुट 0 रहे तो वो 0 देगा, दोनों इनपुट 1 रहे तो भी 0 देगा। ओके सर फिर, अरे डिफरेंट रहे 0 1 या फिर 1 0 ऐसे टाइप में रहा तो फिर वो 1 देगा,
सिंपल एंड स्वीट, ये बहुत ही सिंपल है. इट इज कॉल्ड एज एक्सऑर. एक्सऑर के लिए यूज होता है सिंबल टोपी, है ना, ये टोपी वाली सिंबल यूज होती है. वो कहाँ पे होती है आपकी, नंबर 6 के ऊपर होता है अगर आप कीबोर्ड करोगे तो. ओके, सो सेम सेम 00 या फिर 11, तो 0 डिफरेंट के लिए क्या आएगा, 1 आएगा. एडिशन नहीं करना है इसका, इसका थोड़ा सा एडिशन डिफरेंट होता है. अगर इसका इक्वेशन बताओ तो इसको रिलेट नहीं करवा सकता मैं इस चीज को, इसको थोड़ा सा मतलब ऐसा थोड़ा याद करने वाला टाइप है. सो ए एक्सोर होता है बी, हाँ एडिशन नहीं है वो, इट्स नॉट एडिशन, बिकॉज 1 1 का तो 0 0 हो रहा है ना, सो दैट इज नॉट एडिशन. ओके, हाँ हाँ बराबर है, 12th मैथ्स में पढ़े हो ना, हाँ सही है. इंजीनियरिंग में भी पढ़ोगे, अगर इंजीनियरिंग लिया है तो उसमें भी यही पढ़ोगे. हमारा एजुकेशन सिस्टम यही यही बार बार पढ़ाता है, बट समझ में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता. सो यू गेट द आंसर, यू गेट द क्वेश्चन. तो सेम चीज़ मैं सेम इनपुट के साथ आपको पूछ रहा हूँ कि क्या होगा एक्सॉर. सीधा डायरेक्टली आपको खुद को करना है. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, तो मतलब आप ETC वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, या एक्सॉर. एक्सॉर में क्या आएगा आंसर, 2 एंड 3 का आंसर. चलो जिनको जिनको नहीं पता उनके लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी लोग आंसर डालोगे. ओके सो चलो देखते हैं. अरे कुछ गिला. सो क्या था, मैंने क्या लिया था, मैं कुछ नहीं आता. 2 एंड 3. ओके 2 एंड 3 बाइनरी तो बहुत ईजी आ जाएगा. 1 2 एंड, ठीक है इसके अंदर ही आ जाएगा. सो 2 के लिए तो 1 एंड 0, 3 के लिए 1 1. क्या करना है, XOR. हाँ XOR क्या बोलता है, डिफरेंट के लिए 1 दे दो, 0. तो आंसर इज गुड गुड गुड. ये किसका है, 1 का है. सर कैसे पता चला, 1 एंड 2, तो ये किसके नीचे, 1 के नीचे, तो आंसर इज 1. आंसर मिलेगा 1, XOR आंसर मिलेगा 1. गुड, जिन्होंने 1 आंसर डाला है वो आप करेक्ट हो. लास्ट एक क्वेश्चन और दे देता हूँ इसके ऊपर और आप खुद ही कर लो. सो सपोज मैंने दे दिया 10, इसको भी चेंज कर देता हूँ, सपोज 4 आंसर. और जिनको नहीं पता वो लोग इधर देखो. तो फर्स्ट तो ले लिया है मैंने 10, तो ए इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 4. 10 का बाइनरी 1 2 4, वेट एंड 8 8 प्लस 2, सो 0 0 एंड 4. क्या आएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1. गलत हो गया क्या मेरा, कैसे 4 4, अच्छा ये 0, सॉरी, हाँ 14 14 इज आंसर. सबके 14 आ रहे हैं, मतलब मेरा 15 क्यों आ रहा है. सो मैंने फिर देखा कि मैं एकदम सिली मिस्टेक कर बैठा, दैट इज लास्ट का 0, मैं ये ऊपर का काउंट मारा मैंने. सो ठीक है, थैंक यू, मेरी गलती, मेरी गलती, एक्सेप्ट करना चाहिए गलती. सो दिस इज नथिंग बट आंसर 14, यू ऑल आर करेक्ट, यू कैन सी. गुड गाइज, ओके नेक्स्ट वन इज वी कंप्लीट एंड और एन एक्सॉर. नेक्स्ट वन इज बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, तो छोड़ दो. नेक्स्ट वन इज शिफ्टिंग ऑपरेशन, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या, सो चलो मैं यहाँ पे आपको लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट पढ़ाता हूँ. शिफ्ट मतलब बिट्स को आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट या राइट पोजीशन पे. सिंपली हम देख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए इसमें लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ 1 से. कितने से शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 से. इसका कोई मीनिंग नहीं है अभी फिलहाल के केस में, तो बी को हटा देता हूँ. चलो देखते हैं क्या चीज़ है. सो कहा गया मेरा पेंट, या देर आर 2 टाइप ऑफ शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग एंड राइट शिफ्टिंग. सिंपल है, बिट को शिफ्ट कर देना. ओके बिट को शिफ्ट करना, सर ये क्या है ये तो पहले बता दो. ओके देर आर 2 टाइप ऑफ शिफ्टिंग, लेफ्ट एंड राइट. ओके अब आपके ऊपर है कितने से शिफ्ट करना है, 1 से 2 से 3 से, आपके ऊपर है. ओके सपोज करो कि ए में हमने रखा है 10, तो इसका बाइनरी क्या हो गया, 1 0 1 0, 1 2 4 8. इसके बाद होती है पोजीशन 16, उसके बाद 32. हाँ ठीक है 32. तो यहाँ पे आपको शिफ्ट करना है, एक बिट से शिफ्ट करना है. अगर मैं बोल रहा हूँ ए को शिफ्ट करो 1 से किधर, लेफ्ट में, लेफ्ट 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 साइड में क्या करना है, शिफ्ट करना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे बीट को एक एक से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो. मतलब ये जो बीट है 1, ये आ जाएगा 16 के नीचे, 16 की पोजीशन पे. ये जो 0 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे. मीन्स 1 के नीचे एक जगह खाली हुई. हमेशा याद रखना, एक जगह खाली हो या 2 या 3 या 4 या 5 या 1000, हमेशा आपको 0 इंसर्ट करना है. मतलब कहीं कुछ भी नहीं है तो आप क्या इंसर्ट करोगे, 0. तो नया नंबर क्या क्रिएट हो रहा है,
16, you can see 16 and 4. Answer 16 and 4, baki to 0. So answer 16 plus 4. Simple, and 16 plus 4. 20. Good, Chinmay. That is nothing but a 20. Yeah. So chalo dekhte hain. सच में आ रहा है क्या? वन से शिफ्ट कर रहे 20. यू कैन सी 20. ओके, अगर मैं दो से शिफ्ट कर दूं तो इफ आई डू फॉर टू. चलो फिर से एक बार देखते हैं. कंट्रोल ए डिलीट कर रहा हूं मैं सारा चीज, बिकॉज मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा था ना. अब मैं फिर से एक बार, सो 10 1 0 1 0 1 2 4 8 16 32. दो बार शिफ्ट कर रहा है, मतलब ये पूरा इधर चला जाएगा. 1 0 1 0, ये पूरे शिफ्ट हो गए, है ना. दो पोजीशन खाली हुई तो क्या होगा? 0 0, क्या होगा? 32. ये दिस इज नथिंग बट 32 प्लस 8. 32 प्लस 8 इज नथिंग बट 40. गुड. तीन बार करूँ तो, चलो आंसर दिखा देता हूँ मैं पहले. तीन बार करूँ तो वन 400 लोकेशन. कोई बात नहीं, कोई बात. 80. गुड, चिन्मय एकदम फास्ट है. यू कैन सी तीन से कर दिया तो डायरेक्टली 80. फोर से सोचो मत, जल्दी बता. फोर से, एक सेकंड, जल्दी. अरे जल्दी, अगर आप प्रीवियस वाली चीजों को, आउटपुट्स को नहीं देखोगे तो इतना ही टाइम लगेगा. प्रीवियस वाले आउटपुट को नहीं देख रहे इसलिए आपको इतना टाइम लगा. अगर आप प्रीवियस वाले आउटपुट को याद रखते ना तो आपको इतना टाइम नहीं लगता था, बिकॉज आप कर रहे हो, कैलकुलेशन करो, करने की जरूरत ही नहीं. यू कैन सी फोर. हाँ, आपका आंसर सही है, 160. प्रीवियस वाले को याद रखो, सिंपल बात है, ये डबल चल रहा है. अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो ये डबल चल रहा है. 10 का डबल था 20, 20 का डबल था 40, 40 का डबल था 80, और 80 का डबल है 160. तो इसके बाद का अगर मैं 4 करूंगा तो 160 को डबल कर दो सिंपल फॉर्म में, तो जो भी आंसर आएगा वो ये रहेगा. यू कैन सी सही है. इतना सोचने की जरूरत नहीं, लॉजिक ऐसे ही बढ़ाए जाते हैं. ओके गुड, सेम लॉजिक यूज तो करेक्ट है. उतना टाइम लग गया 80 और 80 160 करने के लिए. ओके गुड, गुड यार, ग्रेट. तो हमें ये तो समझ गया, हमें क्या समझा? हमें समझा कांदा? नहीं, कांदा नहीं समझा. हमें ये समझा, अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा कोई भी चीज तो होता है डबल. याद रख, ये याद रखना, इसलिए यूज होता है ये. अगर लेफ्ट में जा रहा है ना, तो वो क्या होगा? डबल होते जाएगा, डबल डबल, कोई भी वैल्यू को डबल. तो यार राइट में जाएगा तो क्या होगा? अगर राइट में जाएगा तो क्या होगा? अगर इधर डबल हो रहा था तो इधर क्या होगा? अरे बताओ, डबल का अपोजिट क्या होता है? डिक्रीज. डबल का अपोजिट क्या होगा? हाफ. क्या होगा? हाफ, एक का पूरा आधा कर देगा ना वो. सिंगल नहीं होता, सिंगल तो बीच में है ना, सिंगल तो बीच में. हाफ, हाफ इज द करेक्ट. ओके, एकदम अपोजिट चीज चल रहा है ना, सो दैट इज नॉट हाफ. ओके चलो देखते हैं हाफ होता है क्या. यहाँ पे सेम केस चल रहा है. गुड 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 गुड. सो इंट ए इक्वल्स टू, मेरे को इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा था ये. नहीं आया था मेरे को आंसर. क्या करे भाई, उस टाइम नहीं था इतना दिमाग. ओके सो ए इज करते राइट शिफ्ट बाय वन, सो आंसर हाफ कर दो ना, 5. क्या जाएगा? 5. ओके चलो इसका आंसर बताओ. 2 से कर रहा हूँ, क्या आएगा? डोंट से 2.5 बिकॉज इट इज ऑल आर गोइंग इन बाइनरी. क्या आएगा ये? समझा क्या? 5 कैसे आया? 10 का सीधा मैंने हाफ मार दिया. अगर मैंने 2 से कर दिया, इज शिफ्टेड बाय 2 पोजिशन, तो क्या आएगा? तो ठीक है कोई बात नहीं, बहुत टेंशन ले रहे हो तुम लोग. चलो मैं आपको दिखा देता हूँ. 1 0 1 0, 1 2 3 and 4, करेक्ट. क्या कर रहा हूँ मैं, नींद आ रही मेरे को अभी. 1 2 4 and 8, दिस इज करेक्ट. 1 2 3 4, क्या कर रहा था. ओके यहाँ पे शिफ्ट करना है, किधर शिफ्ट करना है? राइट. ओ सच में नींद आ रही मेरे को. राइट साइड में शिफ्ट करना है. राइट साइड में जब शिफ्ट करते हो तो 1 से इधर जाता है 0 की तरफ. तो जो भी डिजिट या फिर जो भी चीज़ 0 की तरफ से बाहर जा रहा है, मतलब 1 से बाहर जा रहा है, उसको डिस्कार्ड कर दो. डिस्कार्ड करना मतलब डिलीट करना. बाकी चीज़ों को शिफ्ट करो. तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा. मतलब 4
प्लस वन दैट इज नथिंग बट अ फाइव. सो आंसर इज फाइव. दैट्स वाई हमें फाइव मिला था. नेक्स्ट अभी दो से शिफ्ट करना है तो सोचो क्या होगा. दो से शिफ्ट करना है, दो से शिफ्ट करना है मतलब सीधा का सीधा ये जो दो डिजिट है बाहर चले जाएंगे. याद रखना कि इन दोनों को करना है डिस्कार्ड, करेक्ट. एंड ये जो दो है वो यहाँ पे आ जाएंगे. तो दिस इज नथिंग बट अ टू. तो आंसर क्या आएगा, टू. देर इज नो 2.5, रैशनल नंबर्स नहीं आते, तो टू आएगा. यस गाइस, आंसर करके देखते हैं. सो 10 को अभी शिफ्ट करेंगे राइट में. सपोज वन से करके दिखा देता हूँ पहले. यू कैन सी फाइव, यू कैन सी दिस इज फाइव. एंड वन मोर टाइम अगर मैं करता हूँ टू एंड यस यू कैन सी टू. और एक बार करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं थ्री कर दूँ तो जस्ट वन सेकेंड ओनली जीरो. नहीं नहीं यार ज़्यादा ही हो गया. ये चीज़ भी बाहर निकलेंगी ना, जीरो वन और जीरो डिस्कार्ड हो जाएगा बट वन तो बचेगा ना. आंसर इज वन. गुड आंसर इज वन. हाँ उसके बाद जितना भी कुछ शिफ्ट करते बैठो वो जीरो आएगा बिकॉज उसके बाद कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ, तो जीरो आएगा आंसर. सो आज का समझा, दैट इज कॉल्ड एज बिटवाइज ऑपरेशन. लॉजिकल ऑपरेशन हम डायरेक्टली मंडे को देखेंगे एंड टाइम बचा है हमारे पास, बहुत सारा टाइम बचा है. सो हैप्पी दशहरा to all my favorite students, lovely students. Anyone have any question या फिर कुछ तो आप पूछ सकते हो. General laptop कौन सा खरीदो वो सारा कुछ चलेगा. Interesting lecture sir, thank you so much. या हाँ सो सकते हो, जो लोग सोना चाहते हैं वो सो सकते हैं, मैं खुद सोना चाहता हूँ. ओके करना कल थोड़ा साफ सफाई वगैरह एंड फिर बस. हाँ विश करना है जिसको तो कर सकते हो, मैं भी विश करूँगा, डोंट वरी. हैप्पी दशहरा, थैंक यू सो मच. इस बार कुछ भी नहीं हो रहा यार, नहीं तो रावण वावन देखने जाते थे, इस बार तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं. हाँ अगर जो लोग इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए एक काम था मेरा, सो सोने के पहले अगर वो कर दो तो काफ़ी अच्छा, और मैं चाहूँगा कि कर दो दशहरे के निमित्त पे कर दो, जैसा समझे. कुछ नहीं यार, रेटिंग दे दो, स्टार रेटिंग्स दे दो. मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो गूगल मैप पे टॉप रेटेड पे रहे, बस यही है मेरा, बाकी कुछ नहीं. तो अगर आपके पास है टाइम, एक मिनट का दो मिनट का अपने लाइफ में से आप दे सकते हो तो प्लीज़. नहीं हर्ष नहीं कर सकते, 2.5 नहीं कर सकते, हर्ष नहीं कर सकते, 2.5 नहीं कर सकते बिकॉज हमारा जो बाइनरी है वो ना रैशनल नंबर्स नहीं लेके चलता, होल नंबर्स. हिमांशु सर अभी, सर अभी करता हूँ, थैंक यू सो मच. बस प्लीज़ 5 रेटिंग ही डालना बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए 4 रेटिंग. अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है मेरे को बोलो, मैं ठीक करूँगा वो चीज़ को. नो वरीज, मैं चीज़ों को ठीक कर दूँगा. ओके या अगर आपको 4 रेटिंग्स वगैरह देना है तो मेरे साथ पहले बात करो, क्या चीज़ें मेरे को बताओ, मैं क्या अपग्रेड कर सकता हूँ चीज़ें. ओके मैं ऑफकोर्स 30 लोग हैं या 30 लोग हैं, मैं चाहता हूँ 500,000 हो जाए मेरे रिव्यूज़, बट अभी तक नहीं हो पाए बिकॉज चल रहा है अभी, मेहनत कर रहा हूँ. हाँ 6 नहीं जाते क्या करेगा हिमांशु, 6 नहीं जाते ना, 5 ही जाते. सो यू हैव टू पुट 5 स्टार्स. थैंक यू सो मच गाइस. एंड आप सोच सकते हो, और जिनको लैपटॉप वगैरह कुछ परचेस करना है उनको कुछ क्वेश्चंस है, क्या हार्ड डिस्क अच्छी होती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क ड्राइव अच्छी होती है, SSD अच्छी होती है या फिर रैम, तो मेरे पास 9 मिनट है, किसी को कुछ क्वेश्चन है हार्डवेयर रिलेटेड तो वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा. एड्रेस कौन सा है, तो दो इंस्टीट्यूट से मेरे, तो ये वाले पे डालो भांडे प्लॉट स्क्वायर पे. सो आप सिंपली ये सर्च करो एस्ट्रिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तो आपको मिल जाएगा. 30-40 तक कौन सा लैपटॉप अच्छा है, तो 30-40 तक ऐसा मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ बट मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, वो आपके बजट में आ जाएगा. मोस्टली आप i3 पे जाओ बिकॉज आपका बजट 30 से 40 है, तो i3 या फिर i5. i5 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा जनरेशन नहीं मिलेगा ना, बिगेस्ट जनरेशन नहीं मिलेगा. बिकॉज अगर i5 जाओगे तो आपको 3rd जनरेशन या 4th या 5th तक ही मिलेगा, 9th जनरेशन नहीं मिलेगा यार, 30 से 40 के रेंज में 9th जनरेशन नहीं मिलेगा. बट i3 में आपको 9th जनरेशन मिल सकता है, दैट इज स्पीड इज गुड. राइजन पे जा सकते हो, अगर आप प्रोसेसर चाहते हो तो राइजन पे जा सकते हो. असाइनमेंट कब तक देना है, अच्छा क्वेश्चन है.
आप क्या करो, असाइनमेंट ना मतलब कोर्स कंप्लीट होने के पहले तक आप कर लो, मतलब कोर्स कंप्लीट होने तक, मतलब उसके कंप्लीट होने के एक दो दिन भी देता हूँ मैं, तो वहाँ तब तक आप कर सकते हो. ओके, असाइनमेंट सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 90% जब रहेगा, मतलब 90% आपकी सेशंस और सॉरी 90% आपका असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए. 10% नहीं भी रहा तो भी चलेगा, बड़ा बड़ा छोड़ दिए तो भी चलेगा, तो बड़े बड़े अगर आप छोड़ते भी हो तो भी 90 हो जाएगा. तो 90% आपका असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए एंड 75% आपने अटेंड करना चाहिए क्लासेस. तो अगर ये आप करते हो तो आपका सर्टिफिकेट ग्रेट निकलेगा, डोंट वरी, आपका सर्टिफिकेट निकल जाएगा. मेरे को मेंशन करना है, अगर नहीं निकलता है तो नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करके कि सर मेरा नहीं निकला था, हम आपका निकाल दें, कोई इशू नहीं. ओके, या फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट निकलेगा. आपको वेबसाइट दे दी जाएंगी, आपका इनरोलमेंट नंबर रहेगा, वहाँ से आ जाएगा. एक तो मेल आएगा, एक तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चाहिए व्हाट्सएप पे आ जाएगा, जैसे आपको चाहिए वैसे आपको मिल जाएगा. चलो देखते हैं किसी ने डाला है क्या. एसएसडी और हार्ड डिस्क में फर्क क्या है? देखो हार्ड डिस्क जो होता है ना वो रोटेटिंग पार्ट होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है. इंस्टीट्यूट नहीं आ रहा है, ओके तो मैं लिंक दे दूं क्या? कोई इशू नहीं है, मैं आपको ना लिंक दे देता हूँ. ओके, तब तक मैं आपको बता देता हूँ एसएसडी और हार्ड डिस्क में क्या होता है. हार्ड डिस्क में ना एक राउंड व्हील होती है जो रोटेट होती है और उसमें मेमोरी सेव होती है. अब इसको रोटेशन ना कुछ दिनों बाद इसका रोटेशन स्पीड कम होते जाता है, बिकॉज आरपीएम कम होते जाता है, वो मोटर लूज होते जाती है ना, उसका दिन भरते जाते हैं, तो उस टाइम के साथ कुछ दिनों बाद वो हार्ड डिस्क कमज़ोर होते जाती है. बट एसएसडी में मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जैसे आपका मेमोरी कार्ड होता है ना वैसे ही, मेमोरी कार्ड के जैसा होता है. सो दैट्स व्हाई उसमें मूविंग पार्ट नहीं होते, तो उसका जो परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू अवर हार्ड डिस्क इज बेटर, उसका जो लाइफ होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है. ओके, सो यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे लिंक डाल दे रहा हूँ सभी को, तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो डाल सकते हैं, यू विल गेट द लिंक. अच्छा वीडियो में बताओ, कोई बात नहीं है, सिंपली आप नीचे जाओगे. अब मेरे केस में तो नहीं देगा बिकॉज मैं ओनर हूँ, तो मेरे को मेरे केस में तो नहीं देगा, बट आपको नीचे में जाओगे ना रिव्यू सेक्शन में तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा. तो यहाँ पे आपको 4 रेटिंग्स आपको बोलेगा, 4 डालना है, 5 डालना है, तो वहाँ पे 5 डाल के आपको जो भी एक्सपीरियंस है, यू कैन सी दिस गाय, देखो फोटोज वगैरह जो आके विजिट करते हैं हमारे पास आके, मतलब मिलते हैं तो उनके साथ हम फिर वाइटी वाइटी करते हैं, तो वैसा टाइप आप भी कर सकते हो अगर आपको विजिट करना है, आके मिलना है ना. ये स्कोर्स वगैरह देखो, ये हमारे स्टूडेंट्स का है, तो 80% 90% वो लोग लेते हैं, तो हम लोग डालते अप्रिशिएट, हम करते हैं हमेशा ही अप्रिशिएट करते हैं. सो यू कैन सिंपली सर्च फॉर दिस एंड यू गेट द ओके, ये भांडे प्लॉट स्क्वायर. ये नागपुर में है, सो होप आपको पता चल गया होगा हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस होता है. या एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? i3 अच्छा, i5 अच्छा, कौन सा अच्छा? तो जनरेशन पे होता है, अगर आप ये चीज़ें देख रहे हो तो जनरेशन पे होता है i3 अच्छा या i5 अच्छा, इट्स डिपेंड ऑन द जनरेशन. देख लेते हैं किसने किसने किया. अरे कुछ लिखो ना, बस 5 स्टार डाल दिया. कुछ तो लिखो रे. थैंक्स सर, लिखते हैं बोल रहे. कुछ तो लिखो, एक्सपीरियंस क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है. या भार्गव इज गुड यार, वॉज अ नोबी इन जावा बट आफ्टर आई टुक ट्यूशन फ्रॉम द आदित्य सुहापुर. अच्छा ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, ये आदित्य सर का है सर. देन आई बिकम प्रोग्रामर. या ये मेरा नहीं है स्टूडेंट, ये मेरे स्टूडेंट है. देखो ये ऐसे कुछ भी नहीं लिखे बेचारे, कोई इफेक्ट नहीं ले रहे. कोई बात नहीं, रात है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, आपने वो भी किया, बहुत अप्रिशिएटेबल है. थैंक यू सो मच गाइस. या अभी आप सो सकते हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं. अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ लो यार, कोई बात नहीं. ग्राफिक्स 2 GB इज इनफ. इंटेल का खुद का इनर वाला भी होता है,
बहुत ही डिजाइनिंग एप्लीकेशन कर रहे हो मतलब फोटोशॉप वगैरह, तो फिर आप ठीक है ना, 2 GB में भी इनफ है यार। लोग सोचते हैं सर 4 GB 8 GB, अरे क्या करेगा, 2 GB इज इनफ, चलेगा। हाँ अगर आप ऑटो कैड या फिर माया वगैरह कर रहे हो तो फिर यू हैव, है ना, आपको जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज आपका 2 GB भी इनफ है। इंटेल का खुद का इंटरनल जो ग्राफिक्स है वो इनफ है यार, कोई इशू नहीं। ओके, ओनली 20 पीपल्स आर देयर। सो मैं को एक छोटा सा, अगर आपका कोई भाई बंधु है जिनको इंटर्नशिप वगैरह करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं निकालने वाला हूँ फ्री इंटर्नशिप्स, आप लोगों के लिए भी फ़ायदा रहेगा, बट आप लोग अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले हो तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। या DDR2 DDR 2 GB रैम है, 4 GB इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? ये तो प्रोसेसर पे डिपेंड होता है लोकेश, प्रोसेसर कौन सा है, प्रोसेसर पे डिपेंड है। अगर प्रोसेसर एकदम ही डेल कोर वगैरह है या फिर इंटेल लेके चल रहे हो तो फिर नहीं बता सकता मैं। ओके, एंड DDR कौन सा है, DDR1 है, DDR2 है, या DDR मतलब आप 1 बोल रहे हो? सर राइजन 5 गेमिंग प्रोसेसर, यस राइजन 5 के ऊपर जो है वो सारे गेमिंग प्रोसेसर्स हैं। राइजन 7 अभी चल रहा है तो यू गो फॉर राइजन 7 हर्ष, अगर आपको जाना है तो। DDR2 है तो उससे तो मैं नहीं बता सकता हूँ, अगर आपका ड्वेल कोर है या क्या है उसके ऊपर मैं बता सकता हूँ। आपका क्या प्रोसेसर क्या है, ड्वेल कोर है, कितना गीगाहर्ट्ज का है, उसके अप्रोप्रिएट आप नेट पे सर्च करोगे ना तो बताएगा कि प्रोसेसर कितना सपोर्ट कर सकता है, आपका मदरबोर्ड कौन सा है, गीगाबाइट का है कि काय का है। सर कुछ गलत लिखा तो बताना सर, फीडबैक। अच्छा आपने फीडबैक डाले हो क्या? ओके बिल्कुल पढ़ूंगा शिवम, जो लिखते हैं उनके लिए तो मैं पढ़ूंगा। वेरी शिवम, नहीं यार शिवम आया नहीं हम लोग, मेरे तरफ तो नहीं आया, अदरवाइज मैं अभी चेक कर लिया होता, बट नो। ओके कोई बात नहीं, फिर से एक बार। गया नहीं, नहीं नहीं अभी तक तो नहीं आया शुभम, चिन्मय ने लिखा बहुत सारा, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स, एक्सेलेंट टीचिंग, गेटिंग ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रॉम सी प्रोग्रामिंग, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू चिन्मय। शिवम ने भी बहुत सारा लिख दिया, शिवम बोबड़े बेस्ट इंस्टीट्यूट बिकॉज ऑफ स्टाफ एंड टीचर ऑफ द टीचिंग इज ग्रेट। भाई ये मेरा इंस्टीट्यूट है, सो आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ग्रेट सक्सेस ऑलवेज वांट्स लाइक टू इंस्टीट्यूट फॉर माय इंजीनियरिंग फ्रेंड्स बिकॉज आई एम इन द सेकंड ईयर। थैंक यू सो मच शिवम, गुड टू गो। या गाइस गुड नाइट, हाँ आप सो सकते हो, 1 मिनट इज देयर। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। या डायरेक्टली मंडे को मिलते हैं, ओके, हैप्पी दशहरा टू ऑल, सी या, लव यू गाइस।